ये घी राइस पुलाव को देखिए दोस्तों, कितना खिला खिला बने हैं। कुछ मसालों से बनी हुई ये बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवरफुल डिश को आप झटपट अपने लंच या डिनर में बना सकते हैं। इसका स्वाद आपके मुंह से नहीं उतरेगा, ये गारंटी मेरी। तो ये सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म घी राइस पुलाव को आप जरूर ट्राई करें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घी राइस या घी भात बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बासमती चावल, जिसे मैंने आधा घंटा भिगो लिया है। ये भिगे हुए चावल है दोस्तों, ये देखिए, इससे हमारा ये राइस बढ़िया तैयार होगा। अगर आप मोटे दाने वाले चावल ले तो उसे 1.25 घंटा भिगो ले। अब चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। गैस ऑन करके एक पैन में हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी राइस बना रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी वाली घी यूज करें, इससे टेस्ट बढ़िया होगा। घी को मेल्ट करके इसमें हम 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम किशमिश को लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। दोस्तों काजू और किशमिश को ज़्यादा फ्राई ना करें, नहीं तो पुलाव में इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये एक ट्रिक है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। आप देख सकते हैं काजू और किशमिश को बस इतना ही फ्राई करना है। तो अब हम इन्हें झटपट एक बाउल में निकाल लेते हैं। वाओ, ये कितना बढ़िया फ्राई हुआ है ना। अब इस घी में हम ये थोड़ा सा खड़े गरम मसाला को फ्राई कर लेंगे। 4-5 छोटी इलायची, 6-7 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा, साथ डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। इससे राइस में बेहतरीन टेस्ट आएगा दोस्तों। हाँ, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा जावित्री डाल देंगे, ये देखिए, और डालेंगे आधा छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक बढ़िया फ्लेवर के लिए। और बस सारे मसाले को 1 मिनट फ्राई कर लेंगे, इससे ना बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रहे हैं दोस्तों। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें चावल को डाल देंगे। ये भिगे हुए बासमती चावल है दोस्तों, और आधे घंटे भिगोने की वजह से इसे पकने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चावल को डाल के अब हम मसाले के साथ इसे 3-4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इससे हमारा घी राइस का टेक्सचर एकदम परफेक्ट होगा। चावल जो है एकदम खिला खिला बनेगा और फ्लाफी बनेगा और साथ साथ टेस्टी भी। तो इस वक्त हम इसमें 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल देंगे, इससे ना घी राइस स्पाइसी बनेगा और खाने में ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 छोटी दालचीनी का टुकड़ा, एकदम थोड़ा सा जावित्री और जायफल लिया है, जिनको हम मिक्सी में पीस करके ये राइस में डालेंगे। एकदम लाजवाब टेस्ट घी राइस में लाने के लिए दोस्तों ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। 3-4 मिनट चावल को मसाले के साथ भूनने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे, 2 कप और थोड़ा सा ज्यादा पानी डालेंगे। दोस्तों जिस कप से आप चावल को मापे ठीक उसी कप से आप पानी को भी माप ले। मैंने 1 कप चावल लिया है तो उसी हिसाब से 2 कप और थोड़ा सा ज्यादा मैंने पानी डाला है। आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के एडजस्ट कर ले। अब हम इसमें फ्राई किए हुए काजू और किशमिश डाल देंगे और उसके साथ जो घी बच गया है उसे भी डाल दे। आप इसमें थोड़ा सा केसर के धागे डाल देंगे। दोस्तों केसर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे ना चाहे तो ना डालें। इससे ना घी राइस का कलर और स्वाद दोनों ही बढ़िया आएगा। तो सारे चीजों को डाल के 1-2 बार चला के पैन के लीड लगा दे और इसे मीडियम फ्लेम पे 8-10 मिनट पकने के लिए छोड़ दे, या इसे तब तक पकाए जब तक इसमें पानी ना सूखे। इस दौरान पैन के लीड ना खोले दोस्तों। थोड़ी देर बाद ढक्कन खोलकर ये देखिए, वाव कितना बढ़िया फ्लाफी राइस है। ये देखिए दोस्तों, इसमें पानी नहीं है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी और वो जो थोड़ा सा पिसी हुई गर्म मसाले मैंने तैयार किया था ना, उसे डाल देंगे और हल्का सा बस 1-2 बार चलाएंगे। बस इसे हल्का सा चलाए ताकि चावल ना टूटे। दोस्तों अगर आप चीनी और ये स्पेशल मसाले ना डालना चाहे तो ये प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं और फिर इसे ढक दे और एकदम लो फ्लेम पे इसे 2 मिनट और पका ले। 2 मिनट के बाद गैस बंद कर दे और ये चावल को इसके स्टेम में पका ले, मतलब इसमें जो भाप है उसी से ही ये पूरा पक जाएगा। 10 मिनट के बाद ये देखिए दोस्तों, कितना परफेक्ट हमारा ये घी राइस तैयार हुआ है। चावल एकदम खिला खिला, बिल्कुल भी मैशी नहीं है, एकदम परफेक्टली ये पके हैं।
तो दोस्तों आज का लंच तो एकदम रेडी है। ये मेरा एक फेवरेट डिश है और मेरी ठाकुर जी की भी। तो अब हम चावल को चेक करेंगे और ये देखिए दोस्तों, चावल हमारा एकदम बढ़िया पक गया है। तो आप देख सकते हैं पुलाव राइस का टेक्सचर एकदम बढ़िया है। चावल हमारा कच्चे भी नहीं है और मैश भी नहीं हुआ है, एकदम खिला खिला परफेक्टली ये पक गया है। तो ये सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म घी राइस पुलाव को आप जरूर ट्राई करें, आपको ये डिश बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे कोई भी वेज या नॉन वेज डिश के साथ खा सकते हैं। हम आज इसे आलू पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ सर्व कर रहे हैं। तो झटपट ये रेसिपी को देखें और तुरंत ये रेसिपी को ट्राई करें और फीडबैक देके मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर ले मेरी चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।